चंद मारू जात मैं अपने हवाले नाल जनाब नाल पेश करना चाहना। अगर दो चार मिनट ज्यादा हो जाओ जुमा दे वक्त तो दो बजे जुमा है तो वह माजूर समझना वह जरूरी ने। बिहमदिल्लाह ताला असाडा एक खानदान इस मौजा कोटली के अंदर कदीम तो आबाद है और जो कुछ मैं गुजारशात जनाब नाल करन लगा दूसरा जुमा माह रमजान मुबारक शरीफ का है और अजीम है और मिंबर मुस्तफा है। झूठ बोलने वाले बंदे थे अल्लाह दिला न तो मेरे दादा की जिंदगी भी जनाब के अंदर गुजरी वालिद साहब की जिंदगी भी गुजरी 70 साल के लगभग उम्र है और मेरी 46 साल उम्र है। मेरे भाई भी बैठे मेरे बेटे भी मौजूद हैं एक बेटा आ बैठा एक छोटा पूरा मौजा कोटली। मैं जनाब के सामने गल करना चाहना कि साढ़े वालों लिहाज नहीं करना अल्लाह रसूल की जात वड्डी है पूरे मौजे के अंदर असा अगर किसी को नुकसान पहुंचाया है इज्जत के लिहाज में तो बोल पड़े अस इज्जत का नुकसान किया किसी का पूरे मौजे के अंदर हाँ ना तो जवाब उच्चा दो असा किसी के माल का नुकसान किया है किसी का चोरी डाका ना माली नुकसान ना किसी की इज्जत का नुकसान ना किसी बंदे धोखा दे के लड़ाया फला की चुगली फला फला की कीमत फला। मेरे वाले साहब को 50 साल का अरसा खूह सिकंदर वाले तो हो गया एक तो दूसरे घर को मैं लड़ाया बिहमदिल्लाह ताला ना सब किसी की मजदूरी रखी किसी मिस्त्री का काम कराया हो किसी का फसल के अंदर किसी का एक रुपया अज तक बिहमदिल्लाह ताला अल्लाह के फजल और रब्बे करीम की अता रहमत नाल एक रुपया तक नहीं देना ना उजरत किसी की रखी ना मजदूरी ना किसी धोखा ना फरार